Dear student, in this lecture we learn about traffic engineer. So without any time wasting, let's start the topic. Bismillahirrahmanirrahim. So dear student, aaj hum transportation engineering ke chapter 9 ke bare mein padhenge, jo ki traffic engineering ke bare mein hai. Aur isme hum ye topic cover karenge. इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, यानी ट्रैफिक इंजीनियरिंग की तारीफ, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सीडेंट यानी हादसा की तारीफ, एंड कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, हादसा की वजूहत, और आखिरी टॉपिक जो है वो रोड जंक्शन के बारे में है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ रोड जंक्शन, न्यू जंक्शन की तारीफ और इसकी टाइप यानी इसकी अकसाम. तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में है. ट्रैफिक इंजीनियरिंग एज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील विद द ट्रैफिक ऑपरेशन डिजाइन यूनिफिकेशन ऑफ कंट्रोल डिवाइस सच इज द पेमेंट मार्किंग ट्रैफिक मार्कर साइन एंड ट्रैफिक सिग्नल एटसेट्रा. जब मैं इसको आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो मैं इसकी तारीफ कुछ यूँ करूँगा. ट्रैफिक इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की ऐसी शाखा है जिसमें ट्रैफिक को महफूज तरीके से चलाने के लिए इकदाम किए जाए और ट्रैफिक में रुकावटों के बारे में मालूमात इकट्ठा करके इनको दूर करने के लिए जो इकदाम की जाती है उसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग कहलाती है. और इस पे गौर करने और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के मिसाइल को हल करने वाले शख्स को ट्रैफिक इंजीनियर कहते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सीडेंट के बारे में है. अ ट्रैफिक एक्सीडेंट एज डिफाइंड इन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ प्लेस्ड वन व्हीकल ऑन अ रोड ओपन टू पब्लिक ट्रैफिक इन विच प्लेस्ड वन पर्सन एज इंजरी और किल्ड. अगर मैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सीडेंट की तारीफ उर्दू में करूँ तो सड़क के इस्तेमाल के दौरान इस्तेमाल करने वालों के दरमियान टकराव या किसी दीगर शख्स के साथ टकराव को रोड एक्सीडेंट कहा जाता है. इसके नतीजे में जानी नुकसान भी हो सकता है और आदमी जख्मी भी हो सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आते हैं कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट की वजूहत. वो ड्राइवर भी हो सकता है, व्हीकल फेलोर भी हो सकता है यानी गाड़ी की खराबी की वजह से, बेड कंडीशन ऑफ रोड यानी सड़क की नाकिस हालात, रोड ज्योमेट्रिक यानी रोड की डिज़ाइन जो है उसमें भी गलती हो सकती है, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है, वेदर इफेक्ट यानी मौसम की वजह से मौसमी असरात भी हो सकती हैं, पैसेंजर एंड एनिमल्स यानी मुसाफिर और जानवरों की वजह से भी, लैंडस्लाइडिंग की वजह से भी एक्सीडेंट पॉसिबल हो सकते हैं. इसको वन बाई वन पढ़ते हैं कि किस तरह इन कॉजेज की वजह से एक्सीडेंट होते हैं. तो फर्स्ट जो है वो है ड्राइवर, यानी हादसा की सबसे बड़ी और अहम वजह ड्राइवर की गलती होती है. लापरवाही और तेज़ रफ्तारी ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी, थकान की वजह से गफलत, नींद और नशे और अशिया का इस्तेमाल ड्राइवर के अहम गलतियाँ हैं जिनकी वजह से अक्सर एक्सीडेंट होते हैं. व्हीकल फेलोअर, गाड़ी के ब्रेकें खराब होना, टायर का पड़ जाना और रात के वक्त गाड़ियों की लाइनों के खराब होना और गाड़ियों में कोई दीगर नुक्स पड़ जाने से अक्सर एक्सीडेंट होते हैं. बेड कंडीशन ऑफ रोड, सड़क का सत्ता खराब होना, इस तरह सड़क के सत्ते पर होल यानी गड़े वगैरह हों, उखड़ी हुई सत्ता और सड़क की ज़्यादा चमकदार सत्ता भी अक्सर एक्सीडेंट के बाद बनते हैं. रोड ज्योमेट्रिक्स, सड़क की ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की वजह से भी अक्सर जो है हमारे साथ हादसात होते हैं. इनमें अक्सर सुपर एलिवेशन का मुनासिब मकदार में न होना यानी इसकी जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है रोड एलिवेशन की वो अच्छी तरह से ना हो,
इसी तरह कर्व पर साइड डिस्टेंस जो है उसका मुनासिब ना होना, ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले आलात का दुरुस्त ना होना, शोल्डर की चौड़ाई का मुनासिब ना होना वगैरह शामिल हैं। पैसेंजर एंड एनिमल्स, मुसाफिर बाज़ औक़ात चलती हुई गाड़ी में सवार होने की कोशिश करते हैं, ये चलती हुई गाड़ी से उतरने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात जंगली जानवर भी अचानक सड़क पर आ जाते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा होता है। लैंड स्लाइडिंग, पहाड़ी इलाकों में ये वजूहत तब होती है जब रोड जो है वो पहाड़ी इलाकों में हों, तो पहाड़ी इलाकों में बाज़ औक़ात अचानक मिट्टी के सड़क पर गिर जाते हैं या पत्थर भी सड़क पर आ गिरते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात रिटेनिंग वॉल और पुलों की टूट जाने से भी हादसात हो जाते हैं। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, रोड जंक्शन। रोड जंक्शन आर डिजाइन एट प्लेस वेयर व्हीकल्स ट्रैफिक कैन मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इन अ सिस्टमेटिक वे। रोड जंक्शन डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। अगर मैं इसकी उर्दू में तारीफ करूँ तो कुछ यूँ होगा कि दो या दो से ज़्यादा सड़कों के किसी मकाम पर मिलने से जो रकबा बनता है उसे रोड जंक्शन कहा जाता है। मिलने वाली सड़क राइट एंगल पर भी मिल सकती है और किसी और एंगल पर भी मिल सकती है। ऐसे मकामात पर ट्रैफिक के हादसात के बहुत इम्तहान, इसलिए रोड जंक्शन का डिज़ाइन बेहद एहतियात से करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ रोड जंक्शन। टाइप्स ऑफ रोड जंक्शन, स्क्वायर जंक्शन, टू टी जंक्शन, थ्री एक्यूट जंक्शन, फोर वाई जंक्शन, फाइव मल्टीपल जंक्शन, सिक्स फ्लाईओवर जंक्शन। सो वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्क्वायर जंक्शन, दीज जंक्शन आर प्रोवाइड वेयर टू इक्वल डिस्टेंस रोड नियरली सेम विड्थ क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल। जब दो एक जैसी अहमियत की सड़कें एक दूसरे को 90 एंगल पर कत करें तो ऐसे मकाम पर हम स्क्वायर शिकल का जंक्शन मुहैया करते हैं। टी जंक्शन, अ टी जंक्शन हैज़ अ थ्री आर्म ऑफ विच वन आर्म इज मेन रोड where the other one is usually a minor road connecting the main road. The road of T junction meet at right angle and is preferably used for conveyance. जब एक सड़क की किसी मकाम पर कोई दूसरी सड़क जाविया यानी 90 एंगल पर मिले लेकिन इसको अबूर न करें तो ऐसे मकाम पर T junction बनाया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं एक्यूट जंक्शन। एक्यूट एंगल जंक्शन आर नॉट प्रेफरेबली यूज, दे क्रिएट अ लॉट ऑफ केओस एंड हैवी ट्रैफिक, द टर्निंग फॉर हैवी एंड बिगर व्हीकल बिकम अ प्रॉब्लम। जब दो सड़कें 90 एंगल के अलावा किसी दूसरे एंगल पे मिलें तो उस जगह पे हम एक्यूट जंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 40 एंगल पे, 50 एंगल पे, 60 एंगल पे। और ये कॉमनली यूज़ नहीं होता क्योंकि इसकी वजह से जो है जब हीवी ट्रैफिक हो तो काफ़ी इंतशार पैदा हो जाता है, और दूसरी बात जो है हीवी ट्रैफिक को जब वो टर्न आउट करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है, इस वजह से एक्यूट जंक्शन हम यूज़ नहीं करते हैं। अब वाई जंक्शन इज़ अ ट्री three arm of which all of the three roads are of the equal size, it is generally seen in place of heavy traffic, it is pretty useful in the distribution of traffic. Y junction jo hai iske three roads hote hain aur teeno road jo hai wo equal size ke hote hain, ye heavy traffic ke liye use hota hai kyunki isme traffic jo hai wo aasani se distribute ho jate hain. Next, मल्टीपल जंक्शन, व्हेन मल्टीपल रोड मीट एट सेम पॉइंट द जंक्शन इज टर्म्ड एज मल्टीपल जंक्शन।
अगर किसी मकाम पर दो या दो से ज़्यादा सड़कें मिलती हों तो ऐसे मकाम पर बनने वाले जंक्शन को मल्टीपल जंक्शन कहा जाता है। ऐसे जंक्शन पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जमा हो जाती है जिससे मसाइल पैदा होते हैं, इसलिए ऐसे जंक्शन बनाने से इज्तनाब करना चाहिए। फ्लाईओवर जंक्शन, व्हेन टू रोड क्रॉस ईच अदर एट सेपरेट ग्रेड्स दे कैन बी सेपरेटेड बाय अलाउइंग वन पासओवर बाय मीन्स ऑफ ब्रिज और फ्लाईओवर। तेज रफ्तार ट्रैफिक वाली सड़कों को क्रॉसिंग वाले मकामात पर हादसात के ज़्यादा इम्कान होते हैं। इन सड़कों पर क्रॉस के मकामात पर ट्रैफिक की रफ्तार को बहुत कम करना भी मुनासिब नहीं होता। ऐसे मकामात पर हर खूसी किस्म के जंक्शन बनाए जाते हैं जिन्हें फ्लाईओवर जंक्शन कहा जाता है। इनकी तामीर के लिए पुल तामीर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस पिक्चर में आप देख सकते हो टी जंक्शन, ये टी जंक्शन के एग्जांपल हैं, ये वाई जंक्शन के एग्जांपल हैं, और ये जो है स्क्वायर जंक्शन की एग्जांपल हैं, और ये मल्टीपल जंक्शन की एग्जांपल हैं। देन डियर स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर, प्लीज़ राइट इन कमेंट।